राजस्थान के ब्यावर ज़िले का एक अनोखा गांव देवमाली, जहां पर इस बार इंद्र भगवान बहुत ही अच्छे प्रसन्न हुए और अच्छी बारिश हुई है। और यहां पर आप देखो, जो एकदम सूखा इलाका था वहां पूरा पानी भर चुका है और एक तालाब का रूप ले चुका है। और यहां पर पानी का और जो कुदरती नज़ारा है उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आप देख रहे हो पेड़ों के ऊपर बैठे, सफ़ेद सफ़ेद कलर के। और यहाँ पर पूरी अभी हरियाली हो चुकी है। यहाँ के किसान जो है गुजर भाई, उनका अलग ही यहाँ का रहन सहन है। और जो कच्चे घर वगैरह है वो यहाँ का एक सुंदर दृश्य है पूरा। कुछ गायें और भैंसें यहाँ पर चरा रहे हैं, यहाँ के गुजर लोग हैं। तो एक अंकल जी उधर खड़े हैं, बात करते हैं उनसे कैसा मौसम है, किस प्रकार की यहाँ पे बारिश हुई है। यहाँ पर देखें गायें जो है हरी घास चर रही है, और इस प्रकार की यहाँ पे ये जो देसी गाय है गोरे कलर की, ये ज़्यादा होती है। और वहाँ पर सामने डूंगरी के ऊपर जो आप देख रहे हो भगवान श्री देवनारायण जी का मंदिर है, जो पूरे राजस्थान ही नहीं भारत भर में प्रसिद्ध है। और देश भर के गुर्जर लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। अभी आगे श्रावण महीने में मेला भी लगेगा, उसकी भी आपको जानकारी पूरी देंगे। यहाँ गांव के आसपास में जो गाय वगैरह चरा रहे हैं, यहाँ एक अंकल जी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। राम राम सा। राम राम सा, राम राम। कई नाम है सा? मोकन नाम शिवपाल है सर। शिवपाल जी गुजर? हाँ गुजर। और इस गांव में देवमाली? देवमाली। तो बरसात बीच कड़ी कोई हमके? बरसात बहुत अच्छी हुई, जोरदार हुई। जोरदार लारे जो तालाब है जो पूरा हम ही भरी जो है। हमें थोड़ा बहुत खाली है। पहला तो सूखो एकदम? हाँ सूखो बिल्कुल, जमीन फाटोड़ी पड़ी थी। फाटोड़ी पड़ी थी, हमें एकदम फुल पानी लग गया। तो फसल अभी लगा दी? हाँ लगा दी, बड़ी आ गया। अच्छा कितना दिन पहला बारिश हुई है? 10 दिन पहले हो गया। 10 दिन पहला? कितनी? 2-3 बारिश हुई बढ़िया? हाँ 2-3 बारिश हो गया। अच्छा दूजो सब ठीक है? और बच अच्छा। अच्छा क्या बताया आप? तो एक चीज आप बताओ कि अटे जगह देवनारायण भगवान जो मेलो लागे करे, लागे वो क्या महीना में लागे करे? मेलो लागे अपने भादवा में। भादवा में? उत्तर भादवा बुद्धि सुजी उत्तरता भादवा में। हां उत्तरता भादवा। चैत वैशाख जेठ, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव। हां श्रावण में लागे भादवा में लागे? भादवा में। भादवा में लागे करे? भादवा में। क्यों? भादवा की सातको, सातम सातको जागरण। हां सातको मेलो। अच्छा तो अब कितना दिन बाकी है? अब देखो ना के ओ साड़ है, ढाई महीना कर लिया। ढाई महीना बाकी है? ढाई महीना बाकी है। मतलब जो फसल पूरी अपने कटाई माता आई भी टाइम लगे करे? नहीं थोड़ा पहले, थोड़ा पहला लगे करे। मिज बाद में लगे। तो पूरे देश में लोग कटाई? पूरा देश के लोग आवे यहाँ पर। यूँ ज्यादा गुजर आवे के सब आवे? सब सब सचेज को आवे। यूँ आप रोक ना भाषा मारना मार दी जी। माधुराम? माधुराम जी। माधुराम गुजर? सब गुजर है, एक परिवार है। एक ही परिवार है? लावड़ा गोच है। हाँ हमारे दूसरी गोच को है बना। अच्छा ना दूसरी कौम है? अच्छा तो एक चीज मैं नोटिस करी कि अरे मैं घना जना पूछो तो 2-3 मन माधुराम जी मिलिया। माधुराम जी बहुत है नाम, ज्यादा है कि माधुराम? माधुराम ज्यादा है। भगवान का नाम है माधुराम जी? माधव देवनारायण भगवान है। अच्छा एक तो अपना सरपंच साहब है, वो का नाम भी माधुराम जी? बड़ा भाई को भाई के। अच्छा बड़ा भाई आपका भाई? बड़ा भाई। आपका क्या नाम बताया? शिवपाल। शिवपाल जी? शिवपाल। जो माधुराम जी सरपंच है वो आपके भाई है? मेरा बड़ा भाई है। अच्छा वो अभी मिले थे? 6 साल से किया सरपंच लगातार, 6 साल से लगातार। अच्छा अभी भी है ना? अभी कौन है? अभी नहीं, अगले साल में आ रहे हैं। अब कौन है? अब जो पीरू राम गुजर। पीरू? तो गाँव का ही? गाँव का ही है। गाँव का ही? तो अड मतलब जगह 350 घर है, एक ही परिवार है। बिंग मऊ सरपंच बने या कोई बार लो भी बने? नहीं यही इमो ही बने। 50 साल होगी ये बनता है क्या? यूँ? हाँ अच्छा 50-60 साल होगी। अच्छा ये बनता है क्या? तो थे हमें गाया भैंसे, मतलब कितनी गाया भैंसे रखे करो? हमारे गाय 5-10 साल है, भैंसा गया करो क्या रखे? 5-10। हाँ और दूध बेचा करो? दूध बेचा शनिवार छुट्टी रहे। शनिवार कहीं करो? भगवान की गाँव की छुट्टी रहे। छुट्टी रहे तो नहीं बेचे? नहीं बेचो? नहीं बेचो पूरे गाँव में? नहीं बेचो पूरा गाँव में शनिवार को? इन कहीं कारण है? दरबार का नाम को नहीं बेचा। एक दिन भगवान ने चढ़ाया करो? एक दिन चढ़ाया करो। बिना पैसे दूध नहीं करो, घर ही जिम लो, जमा जाओ खा जाओ पी जाओ। अच्छा कि यही सजे दे दो? पण हां दे दो, पैसा नहीं लेओ? पैसा नहीं लेओ? शनिवार का दे दो, गाल दे डाल दे पी लो खा लो। अरे मंदिर पर जगह दर्शन करने श्रद्धालु आवे ने बे, रोज आता रहे या शनिवार का ज्यादा? हमेशा शनिवार ज्यादा थोड़ा बहुत। अच्छा ये बारी पुण्य चलता रहा? अच्छा चलता रहा। नहीं एक आशीज बताओ कि अरे जगह घर कच्चा बना रहे नहीं? हां ये रो कोई कारण है? मतलब कच्चा ऐसे है कि भगवान की मना है? हां
ऐसे मना के जहाँ हमारा डोकरा है बडेरा देव नानक उसके बडेरा की बात होगी के तुम कच्चे मरो पक्के मरो जो के दरबार के तुम कच्चे मरो मैं पक्के मरो हां तुम पक्के मरो हम कच्चे मरो बराबर ही नहीं करेंगे। हां बराबर नहीं रहेंगे। तो हमारा डोकरा को बोला भाई हम तो कच्चे में छोका। अच्छा इसलिए परंपरा से कच्चे चलता आ गया। अच्छा तो भगवान के बनाए पक्को भगवान पक्के कच्चे बनाए। तो अभी मतलब कोई हमें नई पीढ़ी वाला छोरा भी जान नहीं कह गया अपन पक्को बनावा। नहीं भगवान के मच्छे नहीं फेरते घुमा चलते ऐसे चलते परंपरा से चलती आ रही। श्रद्धा है जगह पके एबिंग साथ कोई खिलवाड़ नहीं पक्का मकान बनाते नहीं है। हां दारू पानी पीते नहीं है। अच्छा खराब खाना खाते नहीं है। अच्छा चमनी कैसे धराते नहीं है। अच्छा चार बार का नियम है बोलो एक तो दारू नहीं पीते। हाँ। पूरे गांव में कोई भी पूरे गांव में और एक केरोसिन यूज नहीं करते, नहीं करते पूरे गांव में कहीं भी पक्का मकान नहीं बनाते। एक पक्का मकान नहीं बनाते और एक नॉन वेज कोई नहीं खाता है। नॉन वेज बिल्कुल नहीं। ये चार पांच नियम है गाँव में मतलब सब लोग पालते हैं परम्परा आज हो गई 5-6 साल होगी। अच्छा ये चलता है तो एक ही दादा को पूरा परिवार है। क्या दादा को परिवार है कहीं नाम ध्यान नादा वो है नादा नादा वो नादा वो नादा बाबू। अच्छा नादा बाबू नादा बाबू भी को परिवार है पूरा परिवार सब मतलब कोई भाई है कोई भतीजे कोई काका है सब यूं मैं चलते आ फिर चलते आ लगो आगे। हां हां चलते आ। अच्छा एड़ो है ठीक ठीक सब बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा बढ़िया।